कंपेयर टू स्विस सेगमेंट अभी हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा बूम पे है। ऑलमोस्ट हर कंपनी इस सेगमेंट पे अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ही रही है। जिनके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं था वो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस सेगमेंट में एक छोटा सा शेयर लेने के लिए अपना एक प्रोडक्ट लेके आ ही रही है। अगर हम बात करते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर की तो ये भी कुछ इसी तरीके का कार है, क्योंकि बेसिकली जैसा कि आप भली भांति वाकिफ होंगे ये है एक रीबैच्ड विटारा ब्रेजा। तो क्या कुछ अलग है पहले उसके बारे में बात करते हैं, और अगर आप इस कार में इंटरेस्टेड हैं तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगा और किस वेरिएंट में आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी, आज इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरिदमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आखिर इस कार में क्या डिफरेंट है फ्रॉम दी विटारा ब्रेजा। अगर हम एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करते हैं तो एज सच यहाँ पे कोई बड़े बदलाव नहीं है, लेकिन थैंकफुली अनलाइक दी ग्लैंजा एंड बलेनो यहाँ पे टोयोटा ने जो है कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं। हालांकि जो हेडलैम्प यूनिट या टेल लैम्प यूनिट है इनके हाउसिंग या इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक नया ग्रिल और थोड़ा सा रीप्रोफाइल्ड बम्पर देखने को मिलेगा। तो ये कार जो है थोड़ी सी और ज़्यादा टोयोटाइश लगती है। बहुत से लोगों को जहां विटारा ब्रेजा का फ्रंट ग्रिल अगर अच्छा नहीं लगता था तो मोस्ट प्रोबेबली उनको अर्बन क्रूजर का फ्रंट ग्रिल अच्छा लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी और ज्यादा सटल और थोड़ी और ज्यादा मेरे ओपिनियन में अच्छी लगती है। वहीं अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो अगेन इंटीरियर लार्जली सेम ही है, लेकिन यहां पे टोयोटा ने जो है थोड़ा सा अलग कलर स्कीम का इस्तेमाल किया है फॉर द अपहोल्स्ट्री। तो जहां पे ब्लैक यूज किया जाता है इन द विटारा ब्रेजा, अर्बन क्रूजर में यहां पे आपको एक ब्राउन का शेड देखने को मिलता है ताकि ये कार जो है थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम लग सके। इसके अलावा इस कार में और कोई भी बड़े बदलाव नहीं है। ऑब्वियसली बैजिंग का डिफरेंस है, विटारा ब्रेजा में सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा, यहां पे जाहिर सी बात है आपको टोयोटा देखने को मिलेगा। जहां तक बात है पावर ट्रेन की तो अगेन यहां पे आपको वही सेम 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। इस पावर ट्रेन को कंप्लीट करता है एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या फिर आप ऑप्ट कर सकते हैं एक 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर। इस इंजन के बारे में हमें काफी अच्छे तरीके से मालूम है, ये वाला पर्टिकुलर इंजन जो है हम और भी दूसरे मारुति सुजुकी के कार्स में देखते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एस क्रॉस का भी रिव्यू किया था, उसमें भी यही इंजन अब आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको उस कार के बारे में भी इन डिटेल जानना है तो ऊपर कार्ड्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर हम वेरिएंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे अर्बन क्रूजर में, और विटारा ब्रेजा के VXI, ZXI एंड ZXI प्लस मॉडल्स को ही जो है यहाँ पे टोयोटा ने चूज किया है अपने अर्बन क्रूजर के लिए। यहाँ पे इन वेरिएंट्स का नाम रखा गया है मिड, हाई एंड प्रीमियम, एंड जो मिड वेरिएंट है वो बेसिकली है मारुति विटारा ब्रेजा का ही VXI मॉडल। तो जस्ट लाइक द विटारा ब्रेजा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs एंड LED टेल लैम्प्स। ये जो LED लाइटिंग है ये आपको स्टैंडर्ड मिलती है अक्रॉस ऑल दी मॉडल्स। और अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर में तो आपको एक्सटीरियर में जो है थोड़े से डिफरेंट कलर टोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जो डुअल कलर थीम है आपको विटारा ब्रेजा एंड अर्बन क्रूजर दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। सो जो मिड वेरियंट है आपको LED लाइटिंग के साथ साथ देखने को मिलेगा 16 इंच के स्टील व्हील्स। अब इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, स्टील व्हील्स मिलते हैं विद व्हील कैप्स, और साथ में ही आपको जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, दैट इज एयरबैग्स, ABS एंड जो सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स, और ये सभी तमाम चीजें जो हैं आपको इस मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको ब्राउन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी इस पर्टिकुलर मॉडल में, क्योंकि ये आप कह सकते हो कि इसका बेस मॉडल है। तो यहाँ पे आपको 2 DIN ऑडियो सिस्टम देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो 2 DIN ऑडियो सिस्टम है आपको ब्लूटूथ USB ऑक्सिलरी का भी सपोर्ट दे देगा, तो अगर आप इस मॉडल को भी लेते हैं फिर भी आप जो है ब्लूटूथ टेलीफोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ भी मिल जाएगा। तो बहुत कोई जो बेस वेरिएंट को खरीद के उसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाने का एक ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए भी एक थोड़ा सा अच्छा चीज है कि वो अपने उस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट यूनिट को इसके स्टीयरिंग के साथ भी कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर, ये सभी तमाम चीजें जो है आपको देखने को मिल जाती है। ऑल इन ऑल इंटीरियर में जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी बड़े बदलाव नहीं है, चाहे हम डैशबोर्ड की बात करें, मटेरियल्स की बात करें, टेक्सचर्स की बात करें, सभी चीजें दोनों ही कार्स में बिल्कुल सेम है। अब जो हाई वेरियंट है वो है इक्विवेलेंट टू द विटारा ब्रेजा ZXI। यहां पे आपको वो सभी तमाम चीजें
से देखने को मिल जाएगी, जो आपको मिड वेरिएंट में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आपको एक्सटीरियर में मिलता है 16 इंच के अलॉय व्हील्स। ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं है, सिंपल अलॉय व्हील्स। इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाएगा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब ये जो पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये वही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम होने वाला है जिसको हम कहते हैं मारुति स्मार्ट प्ले ऑडियो सिस्टम। इसका जो UI है, जो फंक्शनैलिटी है, बिल्कुल सेम होने वाली है, लेकिन जो मारुति के अपने प्रोप्राइटरी ऐप सपोर्ट है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये टोयोटा की तरफ से आ रहा है। बट इसके अलावा ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, USB, इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है। एंड ज़्यादातर लोग जो है अब एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले ही अपने कार में यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ में जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर मैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो मुझे पर्सनली इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से कभी कोई शिकायत नहीं रही है, बहुत ही फ्लूइड और बहुत ही बढ़िया रहा है। और हमने इसको मारुति के और भी बहुत सारे दूसरे कार्स में देखा है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अगर हम स्पीकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डोर माउंटेड 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। एक और बड़ा एडिशन है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, वो है क्रूज कंट्रोल। तो इस वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। टॉप, अब फाइनली हम आते हैं टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम वेरिएंट की, जो कि इक्विवेलेंट है टू द विटारा ब्रेजा ZXi प्लस वेरिएंट। अब इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। एक्सटीरियर में सबसे पहले आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इंटीरियर्स की बात करते हैं तो इंटीरियर में आपको ब्राउन लेदरेट अपोलस्ट्री देखने को मिल जाती है। ये थोड़ी सी कलर शेड जो है बेटर लगती है ओवर दी ऑल ब्लैक विटारा ब्रेजा का इंटीरियर अपोलस्ट्री। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इंटीरियर्स में और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इंटीरियर में अगेन आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको मिड वेरिएंट में देखने को मिला था। वही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम यूनिट है, वही सारे तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बट यहाँ पे आपको इंटरनल IRVM अब ऑटोमेटिक मिलता है। जो डे एंड नाइट फंक्शनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली होता है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा हैंडी एंड प्रीमियम फीचर भी आप कह सकते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। डुअल टोन पेंट फिनिश भी जो है इसी पर्टिकुलर मॉडल में आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप टॉप ऑफ द लाइन मॉडल लेते हैं तो आपको यहाँ पे डुअल टोन फिनिशेस भी जो है डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में मिल जाते हैं। अब अगर आप इस पर्टिकुलर कार में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ओपिनियन में जो हाई वेरियंट है वो एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स, क्रूज कंट्रोल एंड साथ में ही आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड सेफ्टी किट है वो आपको तीनों ही वेरिएंट्स में सेम मिलते हैं, तो वहां पे ज्यादा कुछ बात करने को नहीं है। छोटे मोटे कुछ चीजें हैं जो शायद आपको ज्यादा मिल जाएगी प्रीमियम वर्जन में, बट अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करते हैं तो आपको पर्टिकुलरली अर्बन क्रूजर में ये वाला वेरिएंट एक काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग सकता है। प्राइसिंग को ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कार के सक्सेस में, क्योंकि यही पर्टिकुलर सेम कार जो है मारुति सुजुकी ऑफर कर रही है। बेसिकली मारुति की ही कार है, मारुति ही इसको मैन्युफैक्चर भी कर रही है, एंड मारुति का विटारा ब्रेजा एक बहुत ही हाई सेलिंग SUV है। अगर आपको एक डिफरेंट ब्रांड नेम चाहिए, थोड़ा सा अलग डिजाइन चाहिए फ्रॉम दी विटारा ब्रेजा, मतलब से ग्रिल व्हील में अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आप अर्बन क्रूजर को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा जो पॉइंट है वो है आफ्टर सेल सर्विस का। वेल, इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी वगैरह में कभी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, बिकॉज ये वाली जो पर्टिकुलर इंजन है या फॉर दैट मैटर ये जो कार है एक बहुत ही हाई सेलिंग कार है, एंड दैट टू फ्रॉम इंडिया टॉप मोस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी। तो इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह को लेके कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ ऑलरेडी मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर्स एंड डीलर्स पे रहती है, तो अगर आपको वो थोड़ा सा कम चाहिए कि आप इजीली गए टोयोटा के सर्विस सेंटर से जाके आपने सर्विस करा लिया, तो शायद आपके लिए अर्बन क्रूजर एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही था। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगर आपको ऑप्शन है तो आप कौन से कार को चूज करेंगे, विटारा ब्रेजा या अर्बन क्रूजर, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। विद दैट सेड गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रैफिक रूल्स।